अचानक से हमारा पर इतना चिल्लाने कैसे लगे तुम? क्यों डांट रहे हो इतना? तुम क्या कर रही हो? मैंने कभी नहीं किया। मेरे बच्चे की सारी हरकतें गलत लगने लगी तुम्हें, सारी बातें गलत लगने लगी। अचानक ऐसा क्या हुआ है सिकंदर, तो तुम अपनी बेटी को मारने चले गए, क्या हुआ? मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर, मैं जानती हूँ कि हमारा की हर बात तुम्हें इतनी क्यों गलत लगने लगी है। क्या हुआ है? क्योंकि अब तुम जानते हो कि हमारा तुम्हारी बेटी नहीं है, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारा खून नहीं है, जानते हो ये बात अब, और इसलिए तुम्हारा बिहेवियर उसके लिए चेंज हो गया है, इसलिए तुम्हारा बर्ताव हमारा के लिए बदल गया है। मेरे पति होने के बावजूद मुझसे कितना भी बुरा बर्ताव कर लो, मैं सहन कर लूंगी, मैं चुप बैठूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन अमायरा के साथ कुछ भी गलत किया ना, कुछ भी बुरा बर्ताव किया ना सिकंदर, मैं चुप नहीं बैठूंगी, I swear to God। अंकल, I don't get it। मेरी भाषा शायद आपको समझ में नहीं आती रानी साहब, इसलिए आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। नो! पर क्या कहा तुमने अभी कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्या करोगे तुम? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ, you don't know? और तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी बदतमीजी समझ रहे ना, वो उनकी बेवकूफी है कि कुल्फी पर आपसे ज्यादा ध्यान देना उनकी गलती है। आप सैड हो ये उनकी गलती है, सब कुछ गलत हो रहा है ये उनकी गलती है। एक बार देख तो लीजिए ना। तेवर, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, हमारी कंपनी को तुम्हारे गानों में अब इंटरेस्ट नहीं है। जानते हैं लेकिन क्या ठीक है सर, की जो गाना है ना वो बिल्कुल आपके टेस्ट का है, जैसा आपको म्यूजिक चाहिए एकदम वैसा ही है। आप एक बार देख तो लीजिए ना, प्लीज एक बार देखिए ना। मैं एक मिनट में, टोनी सर ये तेवर आया अपना नया गाना लेकर, मैंने बोल पढ़े हैं काफी अच्छे हैं, आप बताइए करना क्या है? 1.5 लाख देकर खरीद लो उसे। 1.5 लाख? पर आपने तो कहा था उसे उसकी औकात दिखानी है। आई नो मैंने क्या कहा था निके, पर किसी को हराने का मजा तभी है जब उसे आखिरी दांव तक जीतने की उम्मीद रहे। समझ गया सर। आज मैंने इतना बुरा सपना देखा और भाभी कहती थी जिस सुबह के सपने हमेशा सच हो जाते हैं। क्या सपना देखा? सपने में क्लास वाले मैम ने मुझे 24 सवाल पूछे, उसमें मुझे एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं था, और अगर ऐसा सच हो गया तो पता नहीं क्या हो रहा है सिकंदर जी।
अगर मेरा नाम कट गया तो पापा को कितना बुरा लगेगा, आपकी कितनी बेइज्जती होगी। आजा। एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर। क्यों? अपनी आंखें बंद कर, कर तो सही। अच्छा बता, देखो तेरी माँ के बारे में क्या आया था? बस बस बस, जल्दी जल्दी आ। ना मैं तुझे रोते हुए देख सकती, ना नाराज। सब कुछ माँ के बारे में कुछ भी कैसे भूल सकती हूँ? नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। पता क्यों? क्योंकि तेरी माँ तेरे दिल में बसती है, और जब तू सोचती है ना उनके बारे में तो यहां से सोचती है। हमारा दिमाग कई बार चीजें भूल जाता है, पर दिल कभी नहीं बोलता। सच्ची? ले, कोई मैं झूठ बोल गया? बोला। और फिर इंग्लिश में भी तो कहावत है, कौन सी कहावत है वो? कि लर्न द लेसन बाय हार्ट। इसका मतलब हुआ कि सबक को दिल से याद करो। दिल से? दिल से। अब जब टीचर अंदर कुछ सवाल पूछेगी और तुझे लगता है कि तेरे को उसका जवाब नहीं आ रहा है, तो क्या करना है मेरे शेर को? अपनी आंखें बंद करनी है, अपने दिल से सोचना है, और फिर देखना उसका जवाब ना तेरे दिल में कहीं कोने में छिपा बैठा होगा। सो तेवर, इट्स योर लकी डे। हमारी कंपनी तुम्हारा गाना खरीदेगी, बट मैं तुम्हें इसके सिर्फ 1,00,000 दे पाऊंगा। 1,00,000 रुपए? ठीक है सर, आपने 5,00,000, 10,00,000 रुपए दिए हैं हमारे एक गाने के लिए। इतना बढ़िया गाना है, आप इसके 1,00,000 रुपए कैसे दे सकते? 1,00,000 रुपए का तो गाना है नहीं ना सर, आप जानते हैं। तेवर, तुम्हारे गाने हमने 5,00,000, 10,00,000 में खरीदे थे, पास्ट टेंस। पर चलो, अब जब तुमने हमारे पुराने रिलेशन की याद दिला ही दी है, तो मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं तुम्हें इसका 1,50,000 दे सकता हूं, फाइनल ऑफर, प्रेजेंट टेंस में। टेक इट और लीव इट। एनुअल कल्चरल फीस में 3,50,000 भरने हैं। कम से कम बिटिया की फीस के कुछ पैसे तो हम जुगाड़ कर पाए, और जो रह जाएगा उसके लिए मोहलत मांग लेंगे। बस बस, हमारी बिटिया की मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। 1,50,000 दे दीजिए। सही डिसीजन लिया। अब ये गाना हमारी कंपनी का हुआ। थैंक यू। मैं आपसे एक सवाल पूछा, आप दिल से जवाब दोगे? दिल से? मैं पास तो हो जाऊंगी ना? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है तो बड़े आराम से पास हो जाएगी। अंदर जाना है और दिल से जवाब दो। शाबाश।